विभूषण मुन के शब्दों में यानी भारत ब्रिटिश साम्राज्य ने उनके एक अन्य तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त कराया और इस तरह से अपने राजनीतिक एकता को प्रदान कराया और जिससे हम जब भारतीय व्यक्तियों के असंगठित संगठनों को एकत्रित किया और एकत्रित करने के बाद हमने कहा कि एक संगठन बनाया जिनमें धार्मिक और राजनीतिक सुधारों का योगदान किया, उसमें धार्मिक राजनीतिक का योगदान दिया यानी धर्म के रास्ते पे चलने का जो है उनका योगदान दिया। और उस व्यक्तियों को यह भी कहा गया जो 1819 के यानी 1819 के शताब्दी में भारतीय जो समाज में अधिवेशकों के द्वारा जो आय लगी जाती थी उनके आदिवासियों में जकड़ा जाता था, वहाँ ने क्या कर दिया था, जकड़ दिया जाता था यानी उन लोगों को एक जंजीरों से उनको बांध दिया जाता था और इस तरह से उनमें एक विस्थापित धर्म जात प्रथा छुआछूत आज पे जो है इन सभी समाजों में ऊंच नीम भेदभाव की भावनाओं से लोगों के प्रति अंग्रेजों ने बुरे कार्य वाले लोगों ने वहाँ का छुआछूत भेदभाव का भावनाओं को रख दिया जिसके सुकृत के द्वारा हम धर्म जाति प्रथाओं के द्वारा उसको जो है आने का निर्णय लिया जिसने जात लोग दूसरे जातियों को घृणा करते थे लेकिन वो क्या करते थे छुआछूत टिकने पे एक जात से दूसरे जाति को वो घृणा करते थे यानी ठीक है करते थे और यही उनमें बड़ी दरकार भी होती थी वही हमारा एक बहुत बड़ा स्वामी ने तब कहा क्या तब वही राय केशव चंद्र सेन ने केशव सेन स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी विवेकानंद ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि ने इन्होंने इन जात पात विवादों को उन्होंने क्या किया समाप्त कर दिया।